संसद के दोनों सदनों में देश के शहीदों के सम्मान में उनके बलिदान को याद किया गया। दोनों सदनों में शहीद दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा में तीनों की याद में एक मिनट का मौन रखा गया। वर्ष 1931 में आज के दिन भारत माता के तीन महान सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन महान वीरों ने भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अल्पायु में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और एक संविधान स्वाधीन एवं सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। इन शहीदों की वीरता, शौर्य और देशभक्ति हमारे युवाओं और समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा की स्रोत रहेगी। वहीं राज्यसभा में राजगुरु और सुखदेव को उनकी जयंती पर याद किया गया। टुडे इज द 92nd एनिवर्सरी ऑफ मार्टिरडम ऑफ थ्री ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ भारत, सरदार भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। दीज लेजेंडरी हीरोज ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। आपको बता दें कि संसद के चालू बजट सत्र का ये दूसरा चरण है। 23 मार्च को दूसरे चरण के आठवें दिन की कार्यवाही शहीद दिवस के साथ शुरू की गई। दरअसल 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को इन अमर शहीदों के बलिदान को याद कर शहीद दिवस मनाया जाता है। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section and please subscribe to India News TV for more such updates.